हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू भारती किचन। काजू कतली हम सभी की फेवरेट मिठाइयों में से एक है, लेकिन इसके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं और फेस्टिवल के टाइम में ना ये 700, 800 से 1500 और 2000 तक इसके रेट पहुंच जाते हैं। लेकिन ये काजू कतली मैंने बनाई है अपने घर में, बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट, ओरिजिनल, सॉफ्ट और बस दो इंग्रेडिएंट से। विश्वास नहीं होता तो मेरी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। यहाँ ना मैंने काजू कतली बनाने के लिए साबुत काजू लिए हैं एक कटोरी। आप चाहें तो इसकी जगह काजू टुकड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी काजू कतली जो है वो और भी सस्ते दामों पे बन सकती है। और इसके साथ ही मैंने ली है आधी कटोरी चीनी, तो इसी के ही मेजर से मैंने आधी कटोरी चीनी ली है। तो आप भी इसी हिसाब से अपना मेजरमेंट रखें, एक कटोरी काजू और आधी कटोरी चीनी। और बस दो चम्मच घी है, देसी घी यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, तो बस यही चाहिए हमको। और अब क्या करेंगे ना कि ये जो काजू मैंने लिए थे इनको मैंने मिक्सी में पीस लिया है, तो पाउडर बनाना होता है हमें इसका, इसीलिए मैंने आपको कहा कि हम काजू टुकड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमें ना एक पैन रखना है गैस में और गैस को हम ऑन करेंगे और वो जो हमारी साबुत चीनी थी ना, इसको पूरी चीनी को हम इस पैन में डाल देंगे। अब ना मैं, क्योंकि मेरी आधी कटोरी चीनी है तो मैं इसके लिए बस आधा कप जितना पानी इस्तेमाल करूँगी। यहाँ मैंने ग्लास में थोड़ा सा पानी लिया है, पर इसे भी मैं पूरा नहीं डालूँगी, ज़रा सा डालूँगी। और इस पानी में हमने ये इस चीनी को घोलना है और चीनी को इसमें अच्छे से पका लेना है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस चीनी को ना हमने इस पानी में अच्छे से घोलना है, और जिससे कि ये इसमें मिक्स हो जाए और पूरी ये घुल जाए। पर हमें ना इसकी चाशनी नहीं बनानी है, हमें इसे इतना गाढ़ा नहीं करना है कि चिपकने लगे, मतलब एक तार, दो तार, कोई भी चाशनी हमने इसकी नहीं बनानी है। बस इसको अच्छे से ये इसमें घुल जाए, बस इतना हमने इसको पकाना है। तो ये देखिए, ये चीनी मेरी थोड़ी सी घुल गई, थोड़ी थोड़ी सी रह रही है, तो मैं इसको पहले अच्छे से घोल लेती हूँ। और बस, वैसे तो ओरिजिनल जो काजू कतली होती है ना, उसमें मेन टेस्ट काजू का ही होता है और शुगर, थोड़ा मीठापन होता है उसमें। बट आप चाहें तो इसके टेस्ट में ना आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और केसर भी डाल सकते हैं, तो जो भी आपका मन करे। पर मेन जो है वो काजू का ही टेस्ट है। तो अब देखिए, ये यहाँ पे मेरा ये पानी इसका तैयार हो गया। तो अब जो काजू का पाउडर मैंने बनाया था ना, ये मैंने बारीक से पीस लिया था काजू को, इसको मैं इसमें सारा का सारा डाल देती हूँ। गैस की आंच को मैंने धीमा कर लिया है और अब ना इसमें हम इसे धीरे धीरे मिक्स करके इसको पकाएंगे। और ध्यान रखिएगा कि हमने ना इसे चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे ना, एक तो इसमें लम्स बनने का डर रहता है कि ये लम्स ना बने, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अच्छे से घुलना चाहिए। और दूसरा, ये ना जो काजू है वो नीचे तले भी लग सकता है, तो बस ऐसे ही इसको हिलाते रहना है। और हमने इसको अच्छे से, ये मिक्स हो जाता है इसमें, एक गाढ़ा सा बन जाता है, तो ये काजू को हमने इसमें पकाना है। तो धीमी आँच पर हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे, जिससे कि काजू हमारा सारा अच्छे सा चीनी इसमें मिक्स हो जाए, इसकी चाशनी, और ये नीचे तले लगे नहीं। तो बस ऐसे आपको इसे चलाना है। तो मैंने तकरीबन 15 मिनट इसको चलाया है ऐसे ही, और ये धीरे धीरे आप देखेंगे ना कि ये गाढ़ा होने लगेगा और अच्छा सा ये गाढ़ा पेस्ट इसका बन जाएगा। तो मैं भी इसको ऐसे ही पका रही हूँ। और ये एक, अगर आपका काजू मोटा पिसा होगा ना, तो आपकी जो काजू कतली होगी थोड़ी सी दरदरी होगी। तो आप काजू को अगर बारीक पीसेंगे तो ये जो है एक स्मूथ सा पेस्ट बनेगा, तो वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे इसको थोड़ा बारीक ही पीसा है और अब मैं इसे चला रही हूँ। और देखिए, ये ना काफ़ी गाढ़ा सा हो गया है। काजू कतली बाज़ार में इतनी महंगी मिलती है ना कि ऐसा लगता है कि इसमें ज़रूर कुछ स्पेशल होगा जिसकी वजह से इतनी महंगी होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिएगा कि ये कितनी आसानी से घर में बन जाती है। तो देखिए, यहाँ पे ना मैंने अभी गैस को बंद कर दिया है और अभी भी मैं इसको चलाऊंगी, क्योंकि गैस गर्म भी होती है ना, तो ये पैन जैसे गर्म होता है तो इस पैन में ये चिपकने का डर रहता है और ओवर कुक होने का डर रहता है। तो इसको मैं ऐसे ही हिलाती रहूँगी
और अगर आपको इसमें इलायची पाउडर डालना हो ना तो आप इस कंडीशन में इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। तो बस ऐसे ही एक मिनट मैं इसको चलाऊंगी गैस बंद करने के बाद भी, जिससे कि ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए और जितना भी इसमें एक्स्ट्रा चाशनी का पानी हो ना तो वो अच्छे से सूख जाए। तो अब जो ये घी था ना हमारे पास, इस घी में से ना बस एक चम्मच घी मैं हल्का सा इसमें डाल देती हूँ और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा जमे नहीं, क्योंकि हमने इसे चीनी में पकाया है, और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और अब जैसे ये नॉर्मल सी होने लगी ना थोड़े से, तो इसको ना पहले हम एक बर्तन में उतार लेंगे और इसको ना हिलाते रहें। अगर आप इसको छोड़ देंगे एकदम ठंडा होने के लिए तो ये ऐसे ही जम जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे एक प्लेट में उतार लिया है और मैं इसे लगभग ऐसे ही हिलाती रहूँगी और इसको ना ठंडा करना है हमने। अभी ये काफ़ी गर्म है, मैं अभी इसे हाथ नहीं लगा सकती हूँ, तो बस ऐसे ही थोड़ा सा इसमें घी लगा के इसको मैं सॉफ़्ट कर रही हूँ इधर उधर से, जिससे कि आपस में चिपके नहीं। और वही जो बस दो चम्मच घी हमने यूज़ किया था ना, उसी में से ज़रा सा घी हमने इसमें लगाना है और इसको ऐसे ही थोड़ा सा ठंडा करना है, हिलाते रहना है, जिससे कि ये ठंडी हो जाए और नॉर्मल हो जाए। अगर हम इसको ऐसे हिलाएंगे नहीं ना तो ये जम जाएगी और फिर इसे शेप हम अपने हिसाब से नहीं दे पाएंगे। तो बस ऐसे ही हमने इसको नॉर्मल टेम्परेचर होने तक थोड़ा सा हिलाना है। ये थोड़ी सी गर्म लग रही है मुझे अभी। तो देखिए अब जैसे कि ये ठंडी हो गई है और मैंने इसे पूरा उठा के हाथ में ले लिया है और थोड़ा सा मैंने अपने हाथ में भी घी टच कर लिया था, जिससे कि ये मेरे हाथ में काजू का पेस्ट चिपके नहीं। और अब ये पूरा जैसे तैयार हो गया ना, तो अब हमने क्या करना है, हमने एक बटर पेपर लेना है। इस बटर पेपर को हम ऐसे फैलाएंगे और इसके ऊपर भी ना हल्का सा घी का टच दे देंगे। और अगर आपके पास बटर पेपर ना हो ना तो आप कोई थाली या प्लेट को भी उल्टा करके ले सकते हैं, और चाहे तो आप चकला भी ले सकते हैं, उसके ऊपर हल्का सा घी टच कर दीजिए, जिससे कि वो आपका ये जो पेस्ट है काजू का ये इस पर ना चिपके। तो बस इसके ऊपर अब हम इसको रख देंगे और फिर से एक बटर पेपर लेंगे दूसरा, और उसको भी हल्का सा टच करके ना उसको इसके ऊपर रखेंगे और हमने इसको फ्लैट करना है। देखिए मैंने इसके ऊपर भी एक बटर पेपर रख दिया है और अब इसको ना बेलन से ऐसे हमने फ्लैट करना है, जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही बेलना है। और ये साइज़ आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे काजू कतली तो पतली पतली होती है तो उसकी मोटाई आप देख सकते हैं अपनी पसंद से। और ध्यान रखिए कि बीच में से ना क्रैक ना हो, पूरी फ्लैट हो। तो बेलते हुए इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे हमने इसको बेलना है। और अब ना आप चाहे तो इसके ऊपर हल्का सा केसर हो तो आप केसर भी डाल सकते हैं। मेरे पास ना यहाँ पे एक चांदी का वर्क है तो मैं इसे लगा रही हूँ, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस थोड़ी सी मिठाई दिखने में अच्छी लगती है। तो ये आप किसी भी हलवाई से, बाज़ार से या ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो बस इसको भी ना ऐसे फैला के इसके ऊपर ना इसको ढक देते हैं और फिर से इसको थोड़ा सा दबा देते हैं। तो ये अगर ना भी लगाएं तो भी मिठाई तो हमारी उतनी अच्छी लगती है, बस ये है कि इससे थोड़ा सा लुक्स अच्छा लगता है। तो यहाँ अब मैं इसे काट रही हूँ, लेकिन ध्यान रखें कि इसे ना बिल्कुल गरम गरम बिल्कुल भी ना काटें, नहीं तो ये आपकी सही से कटेगी भी नहीं और इसे उतारने में भी निकालने में भी दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाए ना, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में, तब आप इसे आसानी से आप काट सकते हैं और शेप दे सकते हैं। तो इससे उतर भी जाती है और आराम से कट भी जाती है। तो बस ऐसे ही बस इसे काट लीजिए और इसको आप अपनी पसंद से कोई भी शेप दे के निकाल सकते हैं। तो बस देखिए हो गई आपकी फट से काजू कतली तैयार। मैंने भी यहाँ पे इसको काट लिया देखे और ये कितने अच्छे से आराम से सारे पीसेस निकल गए हैं। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसको ठंडा करने के बाद ही काटें। तो देखिए कितने आराम से ये सारे पीसेस निकल रहे हैं और देखिए झटपट से हो गई ना आपकी काजू कतली तैयार। और देखिए ये कितनी सॉफ्ट है, कितनी आसानी से टूट रही है।
और हमें कितना मुश्किल लगता है ना जब हम इसे देखते हैं कि पता नहीं इसका टेस्ट ऐसा है कि कितनी महंगी है, क्या ख़ास बात है, और कितनी जल्दी से और कितनी आसानी से ये घर में बन जाती है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी बताइएगा कि आपकी काजू कतली कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय।